गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब तेनो रोए थे मेरा गर्भ गिर गया। अब परमात्मा तो मालिक है और ये उस लड़की ही थी जो गर्भपात हुआ था, उसने गर्भपात कर दिया। दाता ने तेरी नालाकी देख कर किया था क्या, रोएगी लड़की ने देख कर, क्योंकि हमें ज्ञान तो है ही नहीं। और फिर लड़का देता, उसी आत्मा को लड़का बना कर देता। अब रोले अपने कर्म। अब हम, हमारा स्वभाव कैसा हो गया, ऊंट जैसा। ऊंट पर समान दर है ना, उसने लद है। और जब भी नौकरा, जब भी रोया कर, बहुत बूंदा कर दिया मेरे साथ में। और जब उसने उतारे, जब समान ने तारा कर ना ऊंट पर, जब भी वो नौकरा करा, उसने कहीं भी बूंदा करा मेरी गेलिया, अब भी बुरा कर रहा मेरा। हम हो गए ऊंट के से स्वभाव के। अब परमात्मा हमें सुख दे जब भी रोवा, और दुख में तो रोना है, रोना वो तले स्वाभाविक है। तो उसकी सास ने यह बात समझ में आ गई थी गुरु जी के वचन का, मैं तब उल्लंघन करूँ नहीं। और इस लड़की ने पूरी कर, वो उसकी सास यानी उसका सुसर ठीक सी पोस्ट पर नौकरी करता था। उसकी सास ने कहा कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं दूंगी, तो निश्चिंत रहे। और इसने ब्याह उबीगी और सारा खर्चा हम देंगे, तो बकवास नहीं करेगी, इसका हम गर्भपात नहीं करेंगे। वो लड़की होगी दूसरी, और जब भगवान के हाथ में, वो तो उसके बच्चे हैं, उसकी ये मिट्टी उसी की बनाई हुई है। अब लड़का देते तो उसको वो संस्कार टाले था लड़की वाला, ले कह के मांग लिया रो रो के, और फिर रो रही है। फिर अगले बार उसको लड़का दिया। आज भी वो लड़की और उसकी सास सत्संग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के, भगवान जो करे तुम बीच में टांग ना डाया करो। अब डॉक्टर है ऑपरेशन में, थिएटर में ले गया। अब आप यहाँ परमेश्वर के ऑपरेशन थिएटर में आ गए, और यहाँ ऑपरेशन थिएटर में मरीज अपनी चलावे तो केस बिगाड़ेगा, वो होने नहीं दे उसको जो डॉक्टर चाहता है। ऐसे ही एक बहन के, एक लड़की हो के, और फिर वो 27 वर्ष तक, वह लड़की 27 वर्ष की होगी, उसके ब्याह भी कर दिया, उसके भी बालक हो रहे लड़का लड़की, और उसकी फिर भी तमन्ना एक बालक तो एक लड़का तो है जाता। वह 56 साल की हो रही बुढ़िया, हरिया तमन्ना रखे। 56 साल की उम्र में मालिक ने फिर छोरा दे दिया उसका लड़का। अब लड़का 5 साल का हुआ, मरगी सर पर धर लिया लड़का, कौन पालेगा। तो हम ऑपरेशन के अंदर हम अपनी गड़बड़ करवाते हैं तो वो बिगड़ जाता है केस। फिर भी दास ने आपको हर पहलू पर बता दिया, जोन सी समझ में आवाय कर लियो और वाय पूरी कर देंगे भगवान। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर। अब जैसे आपने कल इंटरव्यू सुना था एक भगत का, 14 वर्ष हो गए थे उनके ब्याह में, कोई बालक नहीं था और सारी पूजाएं करते थे। अब फिर परमात्मा की शरण ली तो दो लड़की हुई, नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, पर लड़की हो चाहे लड़का, ज्ञान समझ में आ गया भगवान जो दे वो सहर स्वीकार। और तीसरा फिर लड़का भी दे दिया। तो विश्वास रखो इस भगवान पर, जो करे परमात्मा जो करेगा वो गलत नहीं कर सकता। हम जीव हैं, गलत खुद करवा लेते। अब हम आते उस प्रसंग पर जहाँ आज दास आपको सुनाना चाहता है। अब नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में, पहले दिन कोई रिश्तेदार औरत आ गई, और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं हुए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुँह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलन जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा कह इसे इंजेक्शन लाएगी, वह बुढ़िया वादा चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान
हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठकर स्नान का समय हो गया, नीरू ने कहा कि चल चलते हैं स्नान करने। वह रस्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुँह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, भगतनी अगर यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा, और अपनी आँखें खराब मत करे। कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आँखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुँच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी, ब्रह्म मुहूर्त था, डेढ़ घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी होगी थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज़ हिल रही है, उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले। और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था इतने पानी में बड़के, ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक, देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नज़र की, तो सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक, एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब नीमा जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो, उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुश किस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का सौ सौ शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला, उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा सामांतर करते रहते थे, और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, दो लड़के दो लड़की होगी, सारे सुख होंदे, नौकरी मिल गई,
तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला, ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि शास्त्र अनुकूल किए हुए शुभ साधनाएँ थी, वही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान को क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम न लेखा, एक दूसरे नुसरे न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है जो उसके सीने के लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुँह चूमे थी उसका, और सौ सौ शुक्र मनावे थी, तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं, अगर इस लड़के को बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जचा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा, सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर लिया, और लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पिटे भी गिर घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी कठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी इस समय खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूँगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं, कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरे को तेरी सारी बात मानता रहा, आज तू अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोलिया, उसने सोचा कोई भूत है, कह प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आ गया, आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्मा जब 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, नीमा रोए रोए दो तीन दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो यूँ देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ, ठीक है आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसके, ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरू को ना, पर या जरूर मर लेगी, चिंता चिंता में कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में,
और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहाँ पर शिव मंडल पर और कहा, माई क्यों रो रही है? नीमा ने कहा, बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फण जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख हो। फिर भी शंकर भगवान जी ने साधु रूप में पूछा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता है, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूँगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूँ ना खाता ना कुछ पीता, यूँ मरेगा, बाबा जी साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। शंकर भगवान ने कहा, यानी साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है? अब नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूँ, इसका जीवन दान कर दे यू। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, न्यू पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पर ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया उसकी गोदी में आ गए और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की, शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उस उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय ल्यावें और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन ल्यावें और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आएगी। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके गाय ले आया और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत वस्तु है, सत ज्ञान की वस्तु मानी जाती है, कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है, और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई, मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई, मुंबई से। ज्ञान सागर और पृष्ठोत्तर पे जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवें। गरीबदास जिन जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवें। जब घर पर पहुंच गया, अन पानी बखे नहीं जुल्हा शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया, फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता,
रामानंद ध्यान तब धारा, जो लासो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नहीं बलि भांति। कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल है का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के, हे प्रभु मैंने जैसा किसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूँ, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई भोरा विद्वान पुरुष है, और बच्चिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड़ करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना कराया हो, अर्थात कंवारी बछिया। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड़ करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्ला हरसाना, राग छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है। शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन बिदोगे। मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईश को गोदे। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभक, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभक, नहीं पल न झोलनते। अदर अमान ध्यान में जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया, और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है, और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। एक दो घंटे में 2 फुट उठ जाता है ऊपर जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए, वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसे स्पीड तें शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से, अवगत बदन बिनोदे। मैके कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। धन मोमन धन पूर्णा, ये धन काशी नी काम। शिव जी साधु रूप में खड़े हुए, दोनों की जब नजर मिली, परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी, जा ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है कोई, वो समझ नहीं सके शिव जी भगवान है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। दोनों की 7 बार चर्चा हुई, 25 दिन का बालक, और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने। शिव को कर्मस्तक धरा, लिया मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ दर्जा कर शंकर भगवान ने उस नीरू का, और जा एक देनू ला, गाय ला कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्मगति, ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की, 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में
आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या उत्सृणती धेनव, धेनव माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या इन्होंने अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष या सोम माने इन्होंने, आप पे देखो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है, इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आ गए हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूँ कहा करते कि ये गायें बिना दनाई है, अधन्या। बिना दनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना दनाई है। तो यहाँ वही है अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण सब प्रकार से कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कवारी, अभी अधन्या माने कवारी। ये देखिए उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशुम माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा कर अर्थ है इनका। दैनो माने गौवे, गौवे तृप्त करती हैं, ओय होय तृप्त करती उस परमात्मा को जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला, ये समझो अभी अधन्या कवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर, और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था, उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर, कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस
प्राणी के जिस जीव के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है और मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत्संग उपलब्ध करते हैं जिनको सत्संग प्राप्त होता है वो और भी ज़्यादा शुभ संस्कारी हंस होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं, सतलोक से अपने निज सुखमय स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं, वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक काल का है और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूँ और अभी सबको खाने के लिए अब परिवर्त हुआ हूँ, अब मैं प्रगट हुआ हूँ। ये काल कौन है इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है, जिसको हम जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है, किसी ने भ्रमित कर रखा है उसको, हाथ जला रहा है रह रहकर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि महर्षि साधु संत हुए हैं जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहाँ अंगारे बरस रहे हों और वहाँ पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे, तो परमेश्वर ने आके बताया कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो, जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी, धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी। मेरे सामने बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, जो धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं,
कई चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग अंत में वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख घना है, क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते। तो उसको रह रहकर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनकी उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको, जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान मानना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय कालज्ज सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय श्री अच्छा विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं, और इनके लीला इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए, किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को, पुत्र कहीं, परिवार कहीं, और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है, और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु है। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं, मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी
और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का। और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल हो जाओगी, मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूँगा। फिर उसने तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है मैं नहीं परीक्षा लूँगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को, पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उसमें श्री रामचंद्र जी की दिवदृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बना कर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यहीं क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं, ये कारण क्या है। जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। उदाहरण के लिए, एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे, एक तीर से 100-100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी। और पांडवों को उसने वहाँ बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर है सबको अपने साथ ले जाओ, यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था, छोटा बालक भी नहीं बचा था, नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे, उसके बाद ये वंश पुनः चला है। तो और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में, यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया।
अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, सौ सौ गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी, एक तीर मारूं था 20 मरे थे, आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई, उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की जैसे कि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे, आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा ब्यास भी आप गए, तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी और वह बहुत डर जाता था उससे, उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना वहाँ सही हो जाते हैं, तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के, उसने सुन के भभूत लेके घर आई। उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई, और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिन दूसरों में, तो उन्होंने कहा कि है ना ठीक है जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे। और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है, जो जो सोचती उसका उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके भक्त निकलता रहा और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया और हम बहुत डरने लगे, बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी वो आकाशवाणी करती थी कि है ना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया, मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूँ और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूँ। लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी सिद्धियाँ देता रहा, ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है और अगरबत्ती लगानी है, और लाइन लगा देता था लेडीजों की पुरुषों की कि इनका इलाज करो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता, और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई,
पता चलने लग गया ऐसे हो रहा वैसे, ऐसे ही आकाशवाणी से एक एक घंटा बात हो जाती मेरे को और मेरे बेटे को भी। बहुत डरते रहे और हम वहाँ जाते रहे कि, और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रात तो मैं जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे, तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती तो हिल हिल के और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी और रात रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती नींद खुल जाती, फिर मेरे को 2:30 बजे रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता और नींद खुल जाती थी। और मैं इतना परेशान होती और लेकिन रात रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। यह सब कुछ होते करते मैं चलता रहा, ऐसा लगता था कि मेरे साथ दो शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे, जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का, ऐसा है कि। और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था और ये बात मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था मेरे मन को, जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा होता रहा और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि दो बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा, लेकिन हम रात रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था, तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उनको वो मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूँगा मैं। तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना और टीवी पर सुनने के कारण वो वरवाला आश्रम पहुँच गए कि देख के आते हैं इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहाँ पर गए और वो सुन के आए और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब ठीक है, बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली जरूर थी लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी, तो एक स्कूल जाती थी तो एक सर हैं उनसे मैंने वो किताब ली दोबारा से, ज्ञानगंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम दो मैडम हैं उन्होंने पढ़ी, पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया, लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे, तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे ही पूर्णमासी को सत्संग होता था तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरुजी के शरण में गई, तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए और उन्होंने कहा बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियाँ दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियाँ खत्म होती गईं। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे, कभी दूध उबल रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएँ दूर होती गईं और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी
और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए, और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है, उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ साथ साथ डिक्शनरियों से मिला मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती, संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए, और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है। बहन जी, 2014 बरवाला की घटना में मीडिया में ये बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे होते थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है? आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 2013 से ही जाते थे। ये बिल्कुल झूठ है, मीडिया का बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे, लेकिन वो टॉयलेट के तरफ नहीं थे, वो बाहर से पब्लिक को देखने के लिए लगे हुए थे। उसने जो भी बातें बताई दिखाई वो बिल्कुल गलत हैं। हम वहाँ 2013 से ही लगातार जा रहे थे, और गुरुजी गए, संत रामपाल जी महाराज अंदर गए तब तक हम वहीं थे। हम वहाँ जाते हैं, कोई हम पागल थोड़ी है कि हम अनपढ़ गंवार हैं बिल्कुल, और कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि गंदी जगह गलत जगह अपनी बेटी को लेकर जाए, कोई भाई ये नहीं चाहता कि अपनी बहन को वहाँ लेकर जाए जहाँ पर ऐसा काम होता हो, हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे सही जगह पर जाएं। लेकिन ये मीडिया का षड्यंत्र था कि रामपाल जी महाराज को किस तरह से बदनाम किया जाए, और इसके कारण ही ये साजिश रची गई थी। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, ये सब झूठ है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं, और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं, और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नजदीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब।